मितौली थाना क्षेत्र में 9 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बच्ची कक्षा 4 की छात्रा थी जो अपनी 2 सहेलियों के साथ खेत में बथुआ बीनने गई हुई थी। दोनों सहेलियां तो घर वापस लौट आईं, लेकिन बथुआ बीनने की बात कहकर एक बच्ची खेत में ही रुक गई। जब देर शाम वह बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजन उसे तलाशने के लिए खेत पर पहुंचे। सारी रात तलाशने के बाद दोपहर के समय गांव से ही कुछ दूरी पर मासूम बच्ची की लाश नग्न अवस्था में खेत में ही पड़ी मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। गांव वालों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। हमका जैसे अब लौड़े नहीं पर सका है, हम दूसरे कहे गए लौड़िया रहे, जब बुलावे भैया आई है तो हमका तो सकया है कि संघ में यहाँ गई हो कि पाछे आगे पीछे गई हो हुई सकती है, हम जान नहीं झगड़ी लेकर चले। दौड़ा दौड़ा पूरी रात हम दौड़े, काफी आदमी दौड़े, और जब नहीं मिले समझो तो समझो सुबह भरा रहे, समझो आराम करें, आराम करके फिर दौड़ब चालू करें, आराम आराम नहीं करें, अब दौड़ब दौड़ब समझो लगभग लगभग बड़ा होते समझो 11:30 ऐसे टाइम, तब समझो गन्ने में बांधी हुई लड़की बलात्कार हुआ बेइज्जती की, तब समझो वह बंदी भाई लड़की कपड़ा अंदर मुहिमा दबावा फांसी लगाई सब लेते दबी, तब हम लोग कपड़ा दबा गंजा नट्टी 4 जगह से नहीं बंधी, हाथ बंधे बलात्कार काफी नंग धड़ंग बदन पर कपड़ा नहीं समझो, खून चलता है, खून चल रहा है शरीर से नहीं कथा। 3 बजे सलमैया बथुआ के बिना चलाओ लड़की इनकी कहती थी, अब बथुआ बीनने के बाद बाजूदा ये चले गए बाजार, फिर ये सलमैया लड़की इनको बुला करके ले गई, ले जाने के बाद में इनकी अम्मा को इनकी इनकी एक बड़ी वाली बहन थी कही इनकी ऐसा है चलो भाभी झगड़ी छोड़ो, तो वो उधर लगी रही एक लड़की इधर लगी रही, इधर लगने पर वन फिर ये 6 बजे बाजार करके आए, तब ये 6:30 बजे से ढूंढना चालू किया, ढूंढने चालू करने पर पूरी रात ढूंढी गई, ढूंढने पर काफी लोग ढूंढे 150-200 आदमी मिलकर के ढूंढा मगर तब भी नहीं मिली, फिर सुबह ढूंढने वाली लड़की का तो क्या लग रहा है परिवार में उसके रीति आशंका जताई है। ये मितोली थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची का शव मिला है और परिवार एक शराबी जो है व्यक्ति उस पर शक जता रहे, जो प्रथम दृष्टया शक जताया है, अभी पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवाया गया है, पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या घटना हुई है किस प्रकार हुई है, बाकी जो परिवार से बातचीत की जा रही है और सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं उस आधार पर कार्रवाई की कराई जा रही है। क्या अभी कोई हिरासत में अभी तक? अभी परिवार भी सिर्फ अंदाजा लगाकर ही चीज़ें बता रहे हैं, स्पष्ट जब बताएंगे उसी के आधार पर ही सब कार्रवाई भी की जाएगी। मितोली थाना क्षेत्र की घटना।